गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्पेशली मम्मीज, आप सब कैसे हैं? सो आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं आलू बैंगन बनाकर. सो ये सारा मैंने सामान बाहर निकाल लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, प्याज को छील लिया है और अब मैं इसको बनाने की तैयारी में कर रही हूँ. सो ये जो है अब मैंने बैंगन है उनको उनकी जो है चार पार्टीशन कर लिया उनका, तो मसाला भरने के लिए. एक्चुअली मैं बैंगन जो है तड़के के अंदर नहीं डालती, अलग से फ्राई करती हूँ. पहले बीच में डालती थी तो कच्चे रह जाते थे और अब मैं इनको मसाला डालूंगी और अलग से कढ़ाई में पकने के लिए रख दूंगी. और ये जो इसका मसाला है, मैं प्याज को लंबे लंबे छीलती हूँ, फिर टमाटर को लंबे लंबे छीलती हूँ और तड़का लगाती हूँ. बस बहुत डिफरेंट तरीके से थोड़ा बनाती हूँ और आलू साथ में डाल देती हूँ जब मेरा तड़का बन जाता है तो. सो इसी तरह सुबह की शुरुआत हो रही है. सो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं. अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, आज संडे का दिन है तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, घर में रहते हैं क्योंकि बच्चों को आउटिंग की ज़रूरत होती है. एक्चुअली हफ्ते में वीकली हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं ताकि बच्चों को ज़रूर एक्सप्लोर करने को मिले, बाहर निकलने को मिले. और बस चलिए फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ अपना व्लॉग. सौंफ, नमक, हल्दी, काली मिर्च नहीं मेरे पास तो थोड़ा सा धनिया पाउडर और अब मैं इसमें से भर दूंगी स्पून से. बस हो दिया और ये हमारे आलू बैंगन हो गए हैं रेडी. बीच में शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत काम शुरू हो गया था, तो बस इस वजह से इसमें मैं आप ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी लगेंगे, है ना, अच्छे लगेंगे. आज हम दोबारा यहाँ आए हुए हैं स्टार सिटी मॉल. Arjun, this is like our second home. Arjun. बैठे हुए हैं ना, हमने नीनू भी कर लिया दोपहर की और मम्मा के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं. मम्मा नहीं, बच्चों के साथ. मैं बच्चों के साथ, बच्चे मम्मा के साथ. टिकली टिकली टिकली. अभी बीच में इसने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था. अभी मैंने नोट किया, थोड़ा बहुत खाना शुरू किया. ये मटकू हमारा तंग कर रहा है. कम यहाँ, कम कम टू मम्मा, कम. अभी हम लोग नेक्स्ट वीक ये सारे डोर जो है ना ये सब पेंट करने का सोच रहे हैं. ये गेट
ये डोर। तो चलिए बच्चे अभी तंग कर रहे हैं, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। सो हम लोग यहाँ आए हैं, छोटा सा एक पार्क बना हुआ है घर के पास, तो बस। और इतना अच्छा लगता है ना अभी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, फिर सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। धूप निकल, अभी धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई, थोड़ा क्लाउडी है आज का मौसम, और फिर तो सर्दियों में तो यही है हमारा, समझ लीजिए इट्स अ गोल्ड पीरियड फॉर अस। हम लोग खूब, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। सो मैं भी बस निकल आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। Come on, come this way. Tickly, 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 tickly. जब मिड टर्म हॉलीडेज थे तब यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनके साथ खेलता था यहाँ, और उनकी बॉल ऐसी वाली थी सेम, वो ले लेता था। टेक टेक वाटर, कम ऑन कम ऑन, नो जूस, आई टायर्ड नाउ, आर यू टायर्ड, नो बेबी स्लीपिंग, बेबी नो, बेबी स्लीपिंग, बेबी नो नो नो, कम बैक, लेट्स गो होम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड स्पेशली मॉमीज, आप सब कैसे हैं? और मैं जो है वेट कर रही हूँ किसी का, आप गेस कर सकते हैं किसका? हाँ जी, जी हाँ, मैं वेट कर रही हूँ मिडवाइफ का आउटकम। और क्योंकि आज है मेरी बिटिया का डेवलपमेंट चेकअप, जो कि अभी 10 मंथ की हो गई है, 10 मंथ की, तो उसका डेवलपमेंट चेकअप है। और आज 10:30 हमारी अपॉइंटमेंट है, बस अभी उन्हीं का वेट हो रहा है। और लेट्स सी क्या डेवलपमेंट में अभी क्या बताया जाता है, वो देखो ना, चेक क्या चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अर्जुन की बारी भी आए थे तो मिडवाइफ्स आती हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट चेकअप होता है। मुझे ये एग्जैक्ट मंथ नहीं याद उसका, बट वो पूरा चेक करते हैं कि चीज़ उठा रहा है, रख रहा है, तो अभी लेट्स सी इसका देखते हैं। नो आर्या का कि क्या अपग्रेड है। सो ये देखिए, ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं। गग्गा मम्मा, ये देखिए नॉटी बॉय एंड गर्ल। ब्रदर जो है अंदर बुलाते, कहते सोफे के पीछे आ मेरे साथ खेल। ना 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 बेबी, 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 एंड ही वांट्स टू, वो चाहता है कि मेरे साथ अंदर है, तो उसको खींचता है कि वो मेरे साथ अंदर आए खेलने के लिए। वो हाइड एंड जाम्बी खेलते थे ना, छुपन छुपाई, कितना मजा आता था। तो अभी आजकल इनको है। सो मैंने रात को, कल मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, और मैंने कल बहुत सफाई करी, कुछ शिफ्टिंग करी है, कुछ सामान की चेंजेस करे हैं, आप बताएं कैसा लग रहा है। सो लेट्स सी, आई विल शो यू दैट वन ऑल्सो। चल, साफ किया है, ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं, देखिए सारा रात को ही करके आज मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि रात को ही सफाई कर ली थी। ये मैंने चेंजेस करे हैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, यहाँ मेरा डाइनिंग था, तो मैंने यहाँ जो है बेबी का बेड रख दिया है, थोड़ा अभी ऐसे ही है क्योंकि मॉर्निंग। तो मैं बाद में शो करती हूँ आपको बाकी। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रख दिया है, तो चलिए बाद में मिलते हैं। मेरी छुटको हो गई है पास अपने डेवलपमेंट टेस्ट में, है ना, यू आर पास इन योर डेवलपमेंट टेस्ट। सॉरी आई कांट मेक द वीडियो, मैंने छोटा सा क्लिप दिया है, लेकिन मैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज आई कांट शो, बट छोटा सा क्लिप मैं बीच में डाल दूंगी, ताकि आप देख सकें कि डेवलपमेंट टेस्ट में क्या होता है, और जिसमें मैं और बेटी हैं बस। सो आई कांट शो, और बस थैंक गॉड पास हो गई है मेरी बिटिया रानी छोटी सी, एंड आई एम सो हैप्पी। तो चलिए अब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं, कुछ खिलाते हैं बच्चों को, प्यूरी बनाते हैं, है ना, भूखी लगी होगी, क्योंकि मॉर्निंग में अभी उठे हैं तो दूध ही पिया है दोनों ने, और अब काफ़ी टाइम भी हो गया, तो चलिए कुछ बना लेती मैं फटाफट से। तो चले तो मैंने ये छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करी है, और ये देखिए मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है। मैंने यहाँ रख दिए हैं पीस, बिटिया के लिए पीस दिए हैं, ये साफ़ है टेबल, इसको क्लीन कर लिया था, ये पीस उठा के वो खाएगी, यानी मटर। बेटे के लिए वेजिटेबल मैगी बना दी थी मैंने ब्रेकफास्ट में।
आज मौसम में धूप तो नहीं है लेकिन अच्छा है, नाइस वेदर है, थोड़ा ठंड ठंडा है, तो बच्चों बिटिया को फुल स्लीप बनाई हुई है, दोनों अपना खाना खा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा है पूल, छोटा सा समर पूल, इसको फुलाया हुआ है और जब समर्स चली जाएंगी तो हम निकाल देंगे, खुश हो जाएगा तो फिर फुला देंगे। आई थिंक अगर सितंबर तक गर्मियाँ रहेंगी, आई होप। ये देखो ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, वो देखिए ऊपर, और ये रहे दोनों। ये पूल है, पानी नहीं भरा है, थोड़ा डर लगता है ना, इसके डैडी आएंगे वही खिलाएंगे इन्हें। बस मैं एक बिटिया को निकालती हूँ, ठंडा लग जाए उसको।